Hello everyone, welcome to online classes. Today we discuss statement and assumption, jo important topic hai upcoming mains exam EPFO assistant SSA aur IBPS RRB. Statement and assumption ke exam pattern dekh lete hain. In each question below is a given statement followed by two assumptions, number 1 and 2. An assumption is something supposed or taken for granted. You have to consider the statement and the following assumption and then decide which of the assumption is implicit in the statement. बहुत सारे बच्चों को implicit का मतलब नहीं होता है. Implicit का मतलब statement और assumption में true होता है. Implicit मतलब true होता है कि whether the statement is true or not. और एक और word होता है explicit. Explicit का मतलब होता है false. ऑप्शंस में दिया होगा आपके क्वेश्चंस में इफ ओनली वन इज इंप्लिसिट, इफ ओनली टू इज इंप्लिसिट, इफ आइदर वन और टू इंप्लिसिट, इफ नाइदर वन नॉर टू इज इंप्लिसिट, इफ बोथ वन एंड टू आर इंप्लिसिट. स्टेटमेंट एंड अजम्पशन को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स को देख लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो. फर्स्ट टिप ये है कि अगर आपको assumption में each, every, all, only जैसे word मिले तो ये false होगा, तो आप इसका conclusion false करेंगे या explicit करेंगे. Second, अगर आपका assumption, अगर आपके assumption past और future के बारे में बताता हो, past और future के बारे में बता रहा होगा तो भी ये false होगा, आप इसका answer false करके आएंगे. Third point, अगर कोई assumption statement के against हो तो भी आप वहाँ false करेंगे. हम लोग example देके और अच्छे से समझेंगे, पर ये three टिप्स आप याद रखिए, इसे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी. स्टेट एजम्पशन मीन्स समथिंग टू एज्यूम, उसका मतलब एजम्पशन होता है. लेकिन स्टेटमेंट और एजम्पशन में आपको स्टेटमेंट को ट्रू और रिलेवेंट मान के ही एजम्पशन को टिक करना है. ट्रू और रिलेवेंट ही हो वो एजम्पशन. जब भी आप स्टेटमेंट और एजम्पशन के क्वेश्चन करेंगे तो आपको स्टिक रहना है स्टेटमेंट से. स्टेटमेंट से ही आपका assumption का आंसर सही होगा. तो अब कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं जिससे आप बेटर समझेंगे. स्टेटमेंट, बी अवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स अ नोटिस इन अ बैंक. एक बैंक में नोटिस लगा है कि पॉकेट मारो से सावधान. assumption पढ़ लेते हैं. पहला assumption, पिक पॉकेट्स ऑफन लिंगर इन अ कॉरिडोर एंड कीप एन आई ऑन पर्सन कैरिंग हैवी कैश और वैल्यूबल. इसका मतलब ये है कि जो पॉकेट मार होते हैं वो लोगों के ऊपर नज़र रखते हैं कि किनके पास कैश है, वैल्यूएबल आइटम्स हैं. तो ये तो ट्रू है, ये आपको पता है कि यस ये अजम्पशन ट्रू है, इसीलिए ये नोटिस को लगाया गया है. दूसरा, द बैंक इज़ कंसर्न अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ इट्स कस्टमर. हाँ, ये नोटिस लगाने का यही मतलब है. आप ये अजम्पशन इससे रिलेवेंट है स्टेटमेंट से कि ये नोटिस लगाने का यही मतलब है कि वो अपने कस्टमर का ध्यान रखते हैं. तो इसका आंसर है फर्स्ट एंड सेकेंड इज इम्प्लिसिट, मतलब ये ट्रू है. स्टेटमेंट, मैनी ब्लड डोनर्स कलेक्टेड इन द हॉस्पिटल टू सेव द लाइफ ऑफ ए 14-year-old बॉय. बहुत सारे ब्लड डोनर हॉस्पिटल में जमा हो गए एक 14 साल के बच्चे को बचाने के लिए. एजम्पशन, द बॉय मेड with an accident and lost sufficient amount of blood. हो सकता है कि जो boy है उसको accident हो गया है और उसका बहुत सारा खून बह गया है, ये भी true है. दूसरा, he suffers from other diseases and the blood pumped into his body will save his life. हो सकता है कि उस बच्चे को कोई और बीमारी हो और वो जो blood जमा हुए हैं उससे उसकी जान बचा सके. तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है. तो इसका आंसर होगा either one or two is implicit.
स्टेटमेंट द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हैज़ डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस एनिमेटेड ई टेक्स्ट बुक फॉर द हाई स्कूल क्लासेस इन द स्टेट स्कूल टू ब्रिंग अ रेडिकल चेंज इन द वे ऑफ टीचिंग. जो डिपार्टमेंट है एजुकेशन का, उन्होंने सोचा कि एनिमेटेड ई टेक्स्ट बुक हाई क्लासेस में लाया जाए जिससे बच्चों का जो एजुकेशन है वो थोड़ा चेंज हो सके और वो बेटर समझ सकें. ये स्टेटमेंट का मतलब है. एजम्पशन देखते हैं. पहला एजम्पशन, द स्टूडेंट वुड बी एबल टू लर्न एंड रिटेन द कॉन्सेप्ट मच फास्टर इन दिस वे. यस, ये तो ट्रू है कि जो स्टूडेंट है वो जल्दी से ईजी से सीख सकेंगे अगर एनिमेटेड चीज़ें से इन्हें पढ़ाया जाएगा तो. ये तो ट्रू है. दूसरा देखते हैं, दिस वुड रिड्यूस द लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग थाउजेंड ऑफ टेक्स्ट बुक ऑल ओवर द स्टेट. अब ये तो गलत है क्योंकि यहाँ तो कोई लॉजिस्टिक प्रॉब्लम के बारे में बोला नहीं गया है. यहाँ तो सिर्फ बच्चों को अच्छे से समझ में आए इसके बारे में डिस्कशन किया गया है. तो ये फॉल्स है. थर्ड, प्लेसिंग ऑफ टेक्स्ट बुक ऑन द इंटरनेट एंड द इंट्रोडक्शन of the CD version would eventually do away with the necessity of printing textbook in a large number. ये तो बिल्कुल भी relevant नहीं है statement के. ऐसा printing textbook के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं गया है. तो इसका option होगा only one is implicit. Statement, statutory warning, chewing of tobacco is injurious to health. ये तो आप सबको पता है कि tobacco खाने जो है शरीर के लिए, आपकी health के लिए हानिकारक है. Assumption, Not chewing will promote good health. Okay, ये तो true है. Tobacco is always harmful to human health in whatever form it is. ये तो आप सबको पता है कि tobacco खाने से आपके harmful है आपके health के लिए. तो ये दोनों ही सही है. तो इसका answer है both 1 and 2 implicit. Statement, Of all the monthly magazines published in India, the India Today has the largest scale. जितने भी monthly magazine आते हैं उसमें India Today का सबसे largest sale है. Assumption पहला, the India Today is the best magazine. ऐसा तो statement से कुछ बताया नहीं गया है कि ये best magazine है कि नहीं. तो ये false होगा. दूसरा, the sale of all the magazines is known. Yes, ये true है. यहाँ पर सेल के बारे में बताया गया है. ये तभी बताया गया होगा जब सारे मैगजीन के सेल्स फिगर हमें पता हो. तो इसका आंसर होगा ओनली सेकंड इज इम्प्लीसिट. स्टेटमेंट, ड्यूरिंग सर्जरी द होल टीम ऑफ सर्जन एंड अटेंडेंट्स पुट्स ऑन द मास्क. सर्जरी के समय में सर्जन और अटेंडेंट मास्क पहनते हैं. एजम्पशन, The team does not want anyone to be recognized if something goes wrong during the operation. ये तो false है. ऐसा तो कुछ statement से relevant ही नहीं है कि वो इसलिए पहनते हैं कि लोग उन्हें पहचान ना सके. ये तो false है. Second, if by any chance the patient regain consciousness, he would not be able to scratch their faces. मतलब ये तो मजाक वाली बात हो गई कि अगर वो अचानक ऑपरेशन थिएटर से उठ जाए और वो गुस्से से उनके फेस पे स्क्रैच कर दे. तो ये तो फॉल्स है. ऐसा तो होता है ही नहीं. तो इसका आंसर है नन ऑफ दिस. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.